हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। लास्ट क्लास में आपको अभिलयन ग्रुप्स कराया गया था। अभी दो बहुत अच्छे रिजल्ट्स बचे हुए हैं, ज़रा उनको करते हैं पहले। कल जो क्लास हुई थी या जो लास्ट क्लास थी आपकी, जाते जाते आपको बताया गया है एन अगर पॉजिटिव नेचुरल नंबर है तो कैसा होगा, एन अगर नेगेटिव नेचुरल नंबर है तो कैसा होगा, उसी पर बात करते हैं, उसी पर बात करते हैं। देखिए, ये प्रॉब्लम है और किसी बच्चे ने किया नहीं होगा शायद। इट वॉज आई थिंक फिफ्थ प्रॉब्लम, सिक्स प्रॉब्लम, क्या नंबर था? फिर प्रॉब्लम नंबर 5। बहुत ध्यान से देखो, ये आपकी लाइफ का पहला लेसन है और ये थोड़ा चैलेंजिंग है। देखिए यहाँ पे चैलेंजिंग क्या है सर, चैलेंजिंग है ये चीज़। एन इंटीजर है, इंटीजर में 0 प्लस माइनस सब होता है। तो ज़रा केसेस ध्यान से देखिएगा, कल वाली क्लास में मैंने आपको काफ़ी कुछ समझाया है। एनीथिंग रेज टू पावर 0 को 1 नहीं लिखना है, क्या लिखना है? आइडेंटिटी। ओके, सॉल्यूशन बहुत ध्यान से देखिए। केस 1, n इज 0। हाँ जी, n इज 0 तो लेफ्ट हैंड साइड बच्चा पार्टी, सबका ध्यान सामने होना चाहिए। LHS इक्वल टू AB रेज टू पावर 0 विच इज आइडेंटिटी, एंड राइट हैंड साइड इक्वल्स टू A0 B0, दैट इज अगेन EE, दैट इज दी आइडेंटिटी। दिस इंप्लाइज LHS इज RHS। समझ में आ गया प्रेजेंटेशन? ऐसे ही लिखना है भैया, आगे भी बहुत कुछ लिखना है आपको ऐसे। दूसरा केस, अरे ऐसे थोड़े ना होते हैं यार, बस भी करो, सबके लिए थोड़े ना करते फिरेंगे हम। हाँ जी, इधर आइए। एन बिलोंग्स टू जेड प्लस, यानी एन इज अ नेचुरल नंबर। एवरीवन, हाँ जी स्टूडेंट्स, 11th 12th क्लास याद कीजिए। वेन एवर यू वॉन्ट टू स्टेब्लिश समथिंग फॉर ऑल नेचुरल नंबर, इंडक्शन इंडक्शन इंडक्शन। 1 के लिए प्रूव किया, प्रूव तो क्या ही करेंगे 1 के लिए। के लिए एज्यूम किया, K+1 के लिए प्रूव किया, यही मेथड होता था। देख लो उसको ध्यान से, 5 मार्क का क्वेश्चन है। पहले जेड प्लस के लिए करेंगे, फिर जेड माइनस के लिए। मैं जेड प्लस वाला आपके सामने पूरा लिख दूंगा, आपको कॉपी करने का टाइम भी मिलेगा। फिर नेगेटिव वाले के लिए रब करने के बाद करेंगे, क्योंकि वो चैलेंजिंग है, आपको भी पता है। हाँ जी, एन बिलोंग्स टू जेड प्लस, सो वी शुल प्रोसीड बाय इंडक्शन। बाय इंडक्शन फॉर एन इक्वल टू 1, LHS इक्वल टू RHS इक्वल टू AB, एम आई राइट? ओके, उसके बाद एज्यूम फॉर एन इक्वल टू के, दैट इज वी शैल एज्यूम दैट। देखिए, आपको सबको रिक्वेस्ट है कि साथ साथ लिखो नहीं, टाइम मिलता है ना आपको लिखने का, आप इसको समझो कैसे प्रेजेंट करना है, मूर्ख ना बने। वी शैल एज्यूम दैट, ये जो आपका एक्सप्रेशन है के पावर के लिए वैलिड है। ए बी होल पावर के इज ए के बी के, ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, 1 के लिए हो गया, के लिए एज्यूम कर दिया। इंडक्शन में किसके लिए प्रूव करते हैं? K+1 के लिए। ध्यान से देखिएगा, केयरफुल ऑल ऑफ यू। तो इसके लिए शो क्या करना है, इसके लिए आपको ये शो करना है ए बी का पावर K+1 विल बी इक्वल टू AK+1 BK+1। तो यहाँ से शुरू करते हैं। सो कंसिडर ए बी का पावर K+1, आप एग्री करेंगे, और कोई ऑप्शन भी नहीं है आपके पास। A का पावर 3 कैन बी रिटन एज A2A या AA2, एम आई राइट? सो K+1 कैन बी रिटन एज K along with 1 या 1 along with K पावर वाइज। सो दिस कैन बी रिटन एज AB का पावर K along with AB का AB। हाँ, नाउ क्वेश्चन इज AB पावर K ओपनेबल? ये है ना इंडक्शन हाइपोथेसिस से, बिल्कुल ओपनेबल है, तो ओपन कर दीजिए। दिस इज सेम एज AK, मैं एक एक लाइन का रीजन लिखवाएंगे भैया आप लोगों को। वैसे भी गणतंत्र दिवस सामने है, ऐसे तो छोड़ेंगे इन तुम्हें। एसोसिएटिव लॉ, ऊपर चलो, वो वाला ऊपर नहीं, ये वाला ऊपर। ये देखो ना, क्या ये क्या गिवन है, क्या
क्या गेम है भैया? अबिलियन, अबिलियन है तो इनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कर दिया। दिस इज ए के, ए बी के बी जी, एसोसिएटिव लॉ अगेन, एंड आपके चेहरे पे खूबसूरत मुस्कुराहट तो आई गई होगी। ये देखो बैरियर आ गया, आपकी हंसी छीन ली इसने। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो यहाँ लिख देते हैं, मुझे बस थोड़ी सी कमी रह गई थी, अब पूरी हो जाएगी। हाँ जी, क्या चीज़ के बराबर है? ए के प्लस वन, बी के प्लस वन। इसके बाद आप सभी लोग बोलेंगे देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एन बिलोंग्स टू जेड प्लस। भाई आप सबको प्रूफ समझ में आ गया, ऑनलाइन ऑफलाइन? कॉपी कर लीजिए, एक सेकेंड, कॉपी करने से पहले इधर आइए, इधर यहाँ से यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ प्लीज प्लीज प्लीज, या तो उसको स्टार कह दो या बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस, एक एक चीज़ का रीज़न लिखना पड़ता है भैया, नथिंग कम्स फॉर फ्री। पहले बोलना ना वो नहीं, बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस या बाय अवर अजम्पशन या बाय स्टार। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हेलो, बट थोड़ा ठीक से लिखिएगा प्लीज। ठीक है जी, उसके बाद यहाँ से यहाँ विच लॉ? यस यस, थैंक यू वेरी मच, अगेन एसोसिएटिव। प्लीज ऑल ऑफ यू कॉपी करिए इसको, बिकॉज नेगेटिव वाला यहीं दिखाना पड़ेगा आपको, पहले इसको लिख लो अच्छे से। दो केसेस, दो केसेस, अरे आ रहा है भाई, उसी के लिए तो सारा 24 घंटा उसी के लिए तो दिया था, इतनी आराम से हो जाता तो बात ही क्या थी। हाँ जी, आप कुछ पूछने जा चाह रहे हैं? यस, नहीं ठीक है, चल जाएगा, कोई बात चल जाएगा, आप करिए अपनी। ये स्टूडेंट्स अच्छे से नज़र आ रहे हैं ना बोर्ड? थोड़ा कैमरा आगे पीछे तो नहीं हो गया? यस नहीं सर। ठीक है ठीक है, चल जाएगा, करो। सर ओके हो गया, बाकी बच्चे भी सर कर। ये सीवन पी वन केस वन, केस वन, केस टू, अभी तीसरा केस भी है ना। ओके पर हाँ, या इधर ऑफलाइन में कुछ बच्चे बैठे हैं, इनको करने दो, बिकॉज ये अभी हो जाएगा, ये तो लिखने का आपको बाद में वीडियो में भी नहीं मिलेगा, सिर्फ वीडियो ही मिलेगा, लिखा हुआ नहीं मिलेगा। कर लीजिए, कोई बात नहीं। एंड दिस इज, ये लास्ट में लिखा है, रिजल्ट इज
ट्रू। प्रेजेंट करते वक्त ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें नहीं हर बार, प्रॉपर रीजनिंग देनी है आपको। नेक्स्ट आओ, अभी स्टूडेंट सामने देखेंगे जी। वी शिल प्रोसीड बाय इंडक्शन ऑन एन वाला हो गया है, आपने अभी किया फॉर एन इक्वल टू वन, उसके बाद एज्यूम किया आपने एन इक्वल टू के लिए, एंड आपने शो किया एन इक्वल टू के प्लस वन के लिए। दिस मच इज डन, यानी ये आपका पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स के, सॉरी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। केस नंबर थ्री पे आइए, वो बहुत ध्यान से देखिएगा। इस केस नंबर थ्री, ये है सारा चक्कर, इस एन बिलोंग्स टू जेड माइनस को कैसे डील करेंगे। आओ भाई पहले रिव्यू देखो, what is a positive number and what is a negative number? Well, positive number is a positive number, negative number is a negative number. Class में तो शायरी हो रही है ना। Every negative number is negative of some positive number. Yes, please take it to your account. Every negative number is negative of some positive number. What is minus 3? Minus 3 किसका minus है भाई? This is minus of 3. ये अंदर तो positive ही लिखा है. What is minus 10? This is minus of 10. Oh, तो कमाल ही हो गया. कमाल ही होना था. एक कमाल कल हुआ था, एनीथिंग रेज टू पावर जीरो वन नहीं होता है, आइडेंटिटी होता है। लाइक वाइज अगर एक्स नेगेटिव है तो आपको ऐसे लिखना है, एक्स इक्वल टू माइनस वाई वेयर नेसेसरली वाई पॉजिटिव होगा। एम आई राइट? ऑब्वियसली ऐसे होगा भाई, तो नेगेटिव नंबर ऐसे लिखा जाता है मैथमेटिक्स में। ओके पीछे आइए, एन कैसा है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, जल्दी बताइए। नेगेटिव है। अगर एन नेगेटिव है तो एन की शक्ल कैसे दिखेगी? एन शुड लुक लाइक माइनस एम। वेयर वेयर वेयर? अभी तो समझाया था। हाँ सब बच्चों को लाइन समझ में आ गई? बस हो गया, प्रूफ खत्म, शुरू होने से पहले खत्म हो गया। अब आइए जरा ध्यान से देखिएगा, आँखें खोल के रखिएगा। हाँ जी मैं कोशिश करूँगा यहाँ पूरा हो जाए, नहीं तो उधर चल देंगे। सो वॉट इज ए बी होल पावर एन एन? वेल 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 वेल, प्लीज वेट फॉर अ सेकंड। अभी नेगेटिव है, मैं एक दिखा देता हूँ आपको। कल मैंने ये बताया था, थर्ड पावर तो फिर भी ओपन हो जाएगी। व्हाट अबाउट माइनस थ्री पावर, है ना? यू नो, आइए जरा जैसे दिखा देते हैं। तो बिकॉज ग्रुप अबीलियन है, तो अबीलियन ग्रुप में काम कर रहे हैं, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ये आपका बी ए का होल स्क्वायर, एंड दिस इज योर, सॉरी बी ए को भी आप ए बी लिख सकते हैं, ग्रुप अबीलियन था क्योंकि, पर ये ए बी। तो टोटल कितना हो गया आपका? ए बी का थ्री। इसमें इतना परेशान मत होइए, ये पॉजिटिव पावर्स के लिए तो हमने प्रूव कर ही लिया। हमारा मेन कंसर्न है नेगेटिव पावर, नेगेटिव पावर वाले देखेंगे कैसे होगा। मतलब कहने का है यस, हमारे हाथ में क्या क्या है अभी प्रूफ के हिसाब से। एन बिलोंग्स टू जेड प्लस, यानी ए बी का सेकंड पावर है, ए बी का थर्ड पावर है, ए बी का टेंथ पावर है, ओपन होके हो जाएगा। वी हैव प्रूव्ड दिस। नाउ लेट अस प्रैक्टिकली सी कि ए बी का माइनस थर्ड पावर कैसे किया जाएगा। हाँ जी, माइनस थ्री को आप ऐसे लिख सकते हैं, देखते जाइए पहले। बोलिए मत, बोलिए बोलिए, अब बोलिए, अब बोलने का टाइम है। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कुछ गलत नहीं है, बोलो नहीं ऐसे, सोच समझ के बोलना चाहिए। वॉट इज ए बी पावर थ्री? थ्री थ्री के लिए तो आपने प्रूव कर ही लिया। तो ये ऐसे करना है आपको। हाँ जी, दिस इज बी पावर, दिस इज ए पावर, लेकिन ग्रुप तो अबिलियन दिया हुआ है, तो इसके दो एलिमेंट्स आपस में कम्यूट करेंगे। आए समझ में? ये ऐसे करना है आपको, ऐसे करना। अब आइए जरा यहाँ इधर ध्यान से देखिएगा। एन बिलोंग्स टू जेड माइनस, फाइव मार्क्स का क्वेश्चन है भैया, फाइव मार्क्स। ए बी पावर एन इज नथिंग बट, लेट मी राइट वन बाई वन। दिस इज ए बी का पावर माइनस एन, वही करो जो अभी बताया था।
ए बी का पावर एम अंदर ले लीजिए और माइनस वन बाहर ले लीजिए। हाँ जी, ए बी का पावर एम, एम तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव के लिए तो हमने प्रूव कर लिया। सो दिस कैन बी रिटन एज यस, ए पावर एम बी पावर एम होल पावर माइनस वन। अभी रुको, क्लियर है ना हमारा रीजन क्या लिखा है? एम जेड प्लस में है, सो हम क्या यूज कर सकते हैं? केस नंबर टू। अब शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी लगाइए। नहीं लग रहा, ओके, हर चीज का रीजन है। मैं अब आगे नीचे यहाँ लिख रहा हूँ, बिकॉज इधर लिखेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। चेक कर लीजिए भाई, एक एक चीज का कारण बताओ, नोटिस जारी किया जाए। यहाँ से यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ से यहाँ इज ओके, यहाँ से यहाँ का रीजन आपको दे दिया, इधर से इधर शूज एंड सॉक्स प्रॉपर्टी लिख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ से यहाँ नथिंग, लास्ट ये जो है अबेलियन जी, ए पावर माइनस एम इज ए एन एंड बी पावर माइनस एम इज बी एन। प्रूफ समझ में आ गया? हेलो, मेन कंसर्न आपका नेगेटिव पावर के लिए था, उसको थोड़ा ठीक से प्रेजेंट कीजिएगा प्लीज। फॉलो, ये तो छोड़ भी नहीं सकते। लिखिए कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बाकी मुझे तो लगता है कि ठीक क्लियर हो गया होगा आपको। एक्चुअली में कंसर्न सारा नेगेटिव पावर का ही था। नेक्स्ट थिंग आ गया जी, ये तो मिल भी जाएगा आपको, मैं रब भी नहीं करूँगा। प्रॉब्लम नंबर सिक्स के लिए तैयार हो जाओ। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखिए और करिए, पहले समझ लीजिए। अबेलियन ग्रुप्स के लिए कल जो पहला रिजल्ट आपको कराया गया था वो था इफ़ एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स। तो स्टेटमेंट समझना ज़रूरी है कि क्या गिवन है। एवरी एलिमेंट इज इट्स ओन इनवर्स का मतलब ए इज़ ए इनवर्स, बी इज़ बी इनवर्स, सी इज़ सी इनवर्स। तो इस स्टेटमेंट का क्या मीनिंग है, उसके बाद ही तो प्रूफ कर पाओगे। एक मिनट का टाइम दिया, एनालाइज द स्टेटमेंट, काइंडली एनालाइज द स्टेटमेंट।
क्या कह रहे हैं स्टेटमेंट में, कह रहे हैं दिस होल्ड्स फॉर व्हाट, सेकंड पावर, थर्ड पावर, फोर्थ पावर, या टेंथ पावर, इलेवेंथ पावर, ट्वेल्थ पावर, या के प्लस वन, के प्लस टू, ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं पहली बार। तो क्या गिवन है पहले वो देखते हैं। सॉल्यूशन, हाँ जी, गिवन दैट पहला ए बी का केथ पावर, दूसरा ए बी का के प्लस वन, एंड ए बी का के प्लस टू, ठीक है, ये तीन चीज़ें गिवन है आपको। अब इन तीन चीज़ों से ए बी बी ए के बराबर कैसे आएगा जी, बहुत ध्यान से देखिएगा। यस फर्स्ट, ओके लेट मी नेम देम, देखिए भाई जो वन टू करेंगे वही टू थ्री करेंगे, या जो फर्क वन टू में पावर्स का वही फर्क टू थ्री में, डिफरेंस ऑफ पावर्स, एक एक पावर का फर्क है। अच्छा ये बताइए जरा ऑल ऑफ यू, हाँ जी, जो पूछा जा रहा है ना उसका जवाब दीजिएगा। ये ए का कितना पावर है, ये कितना है, थ्री, कौन किसके अंदर बैठ, लॉजिकली कौन किसके अंदर बैठा हुआ, फोर्थ के अंदर थर्ड बैठा हुआ है ना, बिकॉज फोर्थ कैन बी रिटन एज थ्री प्लस, सो ये आई थिंक अगर के प्लस वन पावर है तो ऊपर वाला उसके अंदर एक तरह से कह सकते हैं, लाइक वाइज के प्लस टू के अंदर वो दोनों बैठे हुए हैं। फाइन, बहुत अच्छी बात। तो बस ये बैठे हुए वाला इसको स्टेटमेंट को बेस बनाते हैं और ज़रा देखिए क्या मिलेगा अभी। एवरीवन, हाँ जी, नोट, पहले इन दोनों पे काम करेंगे, फिर जो काम यहाँ होगा वही यहाँ अपने आप ही हो जाएगा। हाँ जी, स्टेटमेंट नंबर टू एम्प्लाइज ए बी का पावर के प्लस वन इक्वल टू ए के प्लस वन बी के प्लस वन। इधर ध्यान दीजिए भाई, कुछ देर पहले भी बोला था अभी फिर कह रहा हूँ भाई, थर्ड पावर को समबडी कैन राइट दिस, समबडी विल राइट दिस, जरूरी थोड़ा ना सबका दिमाग एक जैसे चल रहा हूँ कि पहला एक्सप्रेशन लिख दिया तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये क्योंकि के प्लस वन पावर है तो इस दिस पर्टिकुलर एलिमेंट कैन बी रिटन एज ए के ए या फिर ए ए के। ओके, सो टाइम विल टेल यू क्या लिखना है, क्या बात कर रहे हैं सर, कुछ समय ऐसे ही रहने दो इसको, अभी पता लगेगा क्या लिखना है। अच्छा जी, ये वाला साइड देखेंगे, हाँ जी, लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे, क्या लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे लिख सकते हैं, डेफिनेटली लिख सकते हैं। वॉट अबाउट राइट हैंड, लीव इट, उसको छोड़िए, लेफ्ट साइड पे आइए, हाँ जी, इसका kth पावर तो गिवन है, गिवन है तो यूज़ क्यों नहीं करते। अभी भी टाइम नहीं है उसको ओपन करने का, अब एसोसिएटिव लॉ और आंखें खोल के हर बच्चा बैठ जाए। हाँ जी, वेट वेट वेट, प्लीज वेट, एवरीवन प्लीज वेट फॉर अ सेकंड। हाँ जी स्टूडेंट्स, 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 अगर आपने इस वाले को, ये जो लिखा है इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, लिख सकते हैं तो आप बताइए जरा, कैंसिलेशन लॉ तो लगेगा नहीं ना, लेकिन अगर मैं इसी एलिमेंट को ऐसे लिख दूँ, कुछ आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा है, एक से एक, हाँ जी, आर यू गेटिंग, क्यों रोका था, हेलो, लाइक वाइज बी के प्लस वन को कैसे लिखना है, तो दैट शुड बी क्लियर, ये ठीक है, ये भी ठीक, ओके लेट मी राइट ये, यस, लेफ्ट कैंसिलेशन लो, एक ए गॉन, राइट कैंसिलेशन लॉ बी गॉन, क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज बी के ए इक्वल टू ए बी के, प्लीज वेट, प्लीज वेट, ना 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 ना, दिस डज नॉट मीन अबेलियन, कुछ नहीं मिला अभी, इतना जोश में मत आओ, ऑल ऑफ यू इन दोनों का यूज करके ये आए। अब जरा प्रैक्टिकली देखिए, इन दोनों से ये मिल रहा है तो भैया इन दोनों से क्या मिलेगा, एक पावर बढ़ जाएगा या नहीं बढ़ेगा बताइए, या करके दिखाऊं पूरा। हेलो, गायब ही हो गए क्लास से, हाँ जी, क्या मिलेगा जी, पावर बढ़ाएंगे बी के प्लस वन ए, थैंक यू वेरी मच, ये तो बहुत शानदार चीज़ है भाई,
ए बी के प्लस वन, बहुत बढ़िया। अब वही वाला काम करेंगे जो थोड़ी देर पहले आपने ऑब्जर्वेशन में किया था, उसको छोड़ के इसको ओपन कर दीजिए, देखते हैं कुछ मिल सकता है या नहीं मिल सकता। हाँ जी, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, आप सभी इसको लिख सकते हैं, लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लिखा भाई, यहाँ देखो इसको यूज़ करने के लिए तो ए बी के इस ऑर्डर में होना चाहिए ना, बी के साथ ही होना चाहिए, तो ये चीज़ ऐसे ना लिख करके दूसरा लिख दीजिए। इतना सेंस तो आप लोगों में है ही, है भाई इतना सेंस है, बस छुपा हुआ है, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल बाहर आ ही जाएगा। व्हाट इज बी के फ्रॉम हियर, प्लीज टेल मी, एबी दैट इज ना। कुछ बच्चे तड़प रहे हैं, सर वो वाला साइड क्यों नहीं ओपन कर रहे हैं? अरे अभी समझाया तो था यार, उसके लिए आपको ऑब्जर्व कर लूँ। अब आइए ना, अब करते हैं ओपन, ये लास्ट में बी के है तो यू नो इसको कैसे ओपन करना चाहिए इस क्वांटिटी को। आप समझ रहे हैं क्या कह रहा हूँ? ये क्या, ये लिखना तो ठीक नहीं रहेगा, कैंसिल करना है तो, सॉरी बी के भी क्या लास्ट में बी के चाहिए, क्या लिखे भैया इसको? थैंक यू वेरी मच, दिस इज ए बी बी के विच इज अगेन ए बी बी के लास्टली ए बी बी के एंड कम्स कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ, और चेहरे पे मुस्कान, आपके चेहरे पे ऑफ कोर्स, दैट इज, फरमाइए भाई, सबको क्लियर हो गया? ये सच में चैलेंज का काम है, और कीननेस ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करते करते आपको आगे बढ़ना है, तो लिखना पड़ेगा आपको, लिखो, लिखना शुरू करो। हेलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आप लोगों को क्लियर है ऑनलाइन? यस सर। अगेन रीजंस, यहाँ से यहाँ कुछ भी नहीं है, एसोसिएटिव लॉ, आपके कॉलेज में मॉड्यूलो है, मॉड्यूलो, एडिटिव मॉड्यूलो, मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो, बस अब वही होगा, अभी आपके साथ भी वही होगा। अब भाई यहाँ स्पेस नहीं है, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी का भाव तो आपके अंदर है ही, आप लोगों के अंदर। स्टूडेंट्स देखिए, बी रिस्पॉन्सिबल प्लीज, यहाँ से यहाँ तो कुछ है नहीं, बट यहाँ से यहाँ यू नो क्या लिखना है, ए बी का पावर के इज ए के बी के, तो दिस इज बाय वन, ना 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 बाय वन, पहले देखो भाई, ऐसे एकदम से नहीं रिएक्ट किया करो, वन लिख दिया, दिस इज बाय वन ना, दिस इज बाय वन, फिर एसोसिएटिव लॉ, यहाँ क्वेश्चन मार्क रेज किया जा रहा है, प्लीज ध्यान रखिएगा, फिर कैंसिलेशन लॉ, अगेन क्वेश्चन मार्क, यस आर यू अवेयर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स, लो मीटिंग एंड हो जाएगी तो आपको दोबारा ज्वाइन करना है। जो बच्चे कॉपी कर रहे हैं वहाँ प्लीज़ राइट द राइट रीज़न, मैं अभी पूछूंगा नाम से। अच्छा डरो मत, नहीं पूछेंगे, लेकिन रीज़न लिख लीजिए।
ये सोलो थी नेक्स्ट पे हो गया होगा। देखो अब हम पढ़ेंगे कुछ नए ऑपरेशंस जो आपने शायद लाइफ में पहले कभी नहीं पढ़े हैं। देखिए हम सबको पता है सिंपल एडिशन सिंपल मल्टीप्लिकेशन क्या होता है और सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न क्या होता है, आपको ये चीज़ें सिखाई गई हैं। लेकिन अब जो चीज़ आने वाली है वो मॉड्यूल है बहुत ख़तरनाक। अच्छा तो ये मॉड्यूल कैसे लिखा जाता है सुनिए ऑल ऑफ यू, उसमें कुछ ऐसे कुछ भी नहीं है कि घबराएं आप। देखिए मॉड्यूलो सबका ध्यान सामने होना चाहिए, मॉड्यूलो दो तरह के होते हैं, या तो एडिटिव होगा या मल्टीप्लिकेटिव होगा। पहला एडिटिव मॉड्यूलो, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो। इसको पूरा लिखा जाता है एडिटिव मॉड्यूलो एंड दिस इज अगेन मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो एंड एंड इट विल बी डिनोटेड बाय प्लस का साइन सर्कल सफिक्स मैन, मल्टीप्लीकेशन का साइन सर्कल सफिक्स मैन। ध्यान रखिएगा इसको, ये टेकन फॉर ग्रांटेड है कि ये ऑपरेशन होंगे, बट इनका मतलब क्या है ये तो हम सब जानते हैं, ऐड करना, बट ये क्या बकवास है। तो ये ज़रा ध्यान से देखिए, देखो पहले देखिए एक कॉमन मिस्टेक जो सभी बच्चे करेंगे, सभी बच्चों में आप भी हैं, आप कोई अलग तो अलग मिट्टी से तो बने नहीं है। एवरी वन आइज ऑन द बोर्ड, यस कितना आता है? टू आता है, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये कितना आएगा? ओके वेट वेट अरे रुक जाओ भाई रुक जाओ, आंसर नहीं देना है, आंसर नहीं देना है। तो क्या देना है सर? जो भी देना है आंसर नहीं देना है। व्हाट डू मीन बाय सर? रिमाइंडर आएगा ही नहीं, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड। हाँ जी, ये कलरफुल बोर्ड आपको नजर आ रहा है? हेलो यस सर, ये आपके जीवन में भी रंग भर देगा, डोंट वरी। अब देखिए क्या लिखा है वहां पे, यस यू हैव टू लुक फॉर आंसर और रिमाइंडर, टेल मी रिमाइंडर 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 रिमाइंडर। व्हाट इज द रिमाइंडर व्हेन 10 इज डिवाइड बाय, आदत पड़ी हुई है 2 लिखने की। अरे जीरो रिमाइंडर है भैया, कोई कुछ रिमाइंडर बचेगा ही नहीं, यहां भी कुछ नहीं बचेगा, रिमाइंडर तो है नहीं, कंप्लीट डिवाइड, यहां रिमाइंडर 1। तो आंसर ये ऐसे ऐसे देना है आपको आंसर। 4 मिनट का टाइम है, ओके। देखिए मैं सर्टेन एग्जांपल्स दे रहा हूं, बहुत इंटरेस्ट के साथ करो, ध्यान से देखो, आराम से सब बच्चों को समझ में आ जाएगा। यस एवरीवन, सभी बच्चे एडिटिव मॉड्यूलों में पहले ऐड ऐड करिए, फिर एन से डिवाइड करके आंसर मत दीजिए, क्या देना है? रिमाइंडर। मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलों में पहले मल्टीप्लाई करेंगे एन से, पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर एन से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर आएगा वो आंसर देंगे। अच्छा जस्ट वेट, यहाँ आइए जरा आप सभी लोग, आइए आइए। 2 + 4 कितना होता है? 7। हाँ सॉरी 6। 2 + 4 इज 6। 6 को 3 से डिवाइड करके कुछ नहीं मिलेगा, 0 इज द आंसर। 2 + 5 इज 7। 7 को 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर 1। 2 + 6 इज 8 को 3 से डिवाइड किया, 2 + 7 इज 9 को 3 से डिवाइड किया, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, कुछ कोई रिमाइंडर नहीं है। यहाँ मल्टीप्लाई करना है पहले, 2 × 4 इज 8 डिवाइड बाय 3, 10 डिवाइड बाय 3, 10 डिवाइड बाय 3, 12 डिवाइड बाय 3, नो रिमाइंडर, 14 डिवाइड बाय 3, 2। सबको समझ में आ गया?
अब 2 मिनट में क्लास का एंड होने वाला है, दोबारा एंड करके मतलब दोबारा आपको ज्वाइन करना है। पहले इसको कॉपी करो, ऑल ऑफ यू आराम आराम से कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, नई चीज़ है इसमें, मतलब वो नहीं कर सकते, वो वहाँ से सर्कल्स तो बटेंगे नहीं। बाकी आप जैसे भी लिखो, हेलो आर यू देयर, एक बच्चा चला गया शायद, कोई था है ना, आस्था हर्षिता सक्षम एक और था या थी, क्या हो गया यार, ऐसे बोरिंग पढ़ा रहा हूँ क्या, क्लासेस छोड़ के चले गए। थैंक अच्छा पढ़ा रहे हैं। यू। हो गया। ठीक है बहुत अच्छी बात है, आप लोगों का भी हो गया। अब मैं कुछ चीज़ें लिख रहा हूँ, अभी 1 मिनट 20 सेकंड का टाइम है, तो आप लिख के आंसर निकालिएगा, फिर मीटिंग के बाद डिस्कस करेंगे, मतलब जब आएंगे, समझ रहे हैं, इतना टाइम तो लग ही जाता है, कोई ऐसा इशू नहीं है, बाद में कर लेंगे। मैं मीटिंग एंड करता हूँ, उसके बाद वापस आ जाइएगा। हेलो मीटिंग एंड हो रही है, वापस आ जाइएगा, इतना पैनिक में नोट करोगे तुम, क्या नोट करोगे और क्या डिस्कस करोगे। दोबारा शुरू कर दो मीटिंग, मैं उतना तो नहीं है ना, मुझे दोबारा ज्वाइन करिए भाई आप लोग। एक बच्चा है, आने दो। हेलो आ गए आप, सो हाँ जी, अब आप लोगों के लिए मीठे मीठे चैलेंजेस, चलिए मिठाई खाने को तैयार हो जाइए, आइए। आंसर नहीं, मेरे को नहीं बताना है, अपना निकाल के रखिए, विल डिस्कस। ये कुछ सिखा के जाएगा आपको, गुड गुड। 1 मिनट का टाइम और लो, नहीं, सब लोग करो भाई, अब सब करो प्लीज, ऐसे नहीं छोड़ो, जिनका हो गया है दे मस्ट वेट, दे विल वेट, आप लोग भी करिए, ये जो यहाँ बैठे हुए हैं, अब आए हैं तो 26 जनवरी की मिठाई इनको भी तो देनी पड़ेगी ना। जब आप स्कूल में थे तो 26 जनवरी के लिए कुछ मिलता तो होगा ही, देते हैं।
अच्छा यहाँ यहाँ अभी नहीं पहुंचा सकते आप तक। ओके पेंडिंग रहेगा। हाँ हाँ डेफिनेटली डेफिनेटली आइए। चलिए गुड। बस करो भाई। ओके 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 आइए। चलिए देखिए भाई ये कुछ सिखा के देगा हम सबको। ज़रा ध्यान दो, एडिटिव मॉड्यूलो में ऐड करके फिर रिमाइंड ऐड करके जितना भी मॉड्यूलो लिखा है उसे डिवाइड करके रिमाइंडर का रिमाइंडर निकालना है आपको। पहले ऐड करते हैं, 5 + 7 = 12, 12 को 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर इज 2। ओके 10 + 2 = 12, 12 को 11 से डिवाइड किया रिमाइंडर इज 1। ये तो गड़बड़ हो गया, एक सेकंड रुकिए। हाँ अरे मैं 7 8 से डिवाइड तो होगा नहीं, तो भाई आपके लिए संदेश है लेस के लिए लेस छोड़ दीजिए। 7 के 8 हिस्से नहीं हो सकते प्रॉपरली देखा जाए तो 7 ही। हाँ वही 7 के 8 हिस्से करने हैं ना कायदे से, तो नहीं होगा लेस के लिए लेस ही रहेगा याद रखना। कुछ नहीं करना है, कोई मॉडल नहीं लगे। इधर आ जाइए, 5 × 7 35 को 5 से डिवाइड किया रिमाइंडर 0, 10 × 22 को 11 से रिमाइंडर 0। ये देखिए फिर से लेस आ गया मॉड्यूलो मॉड्यूल 10 तो सॉरी सॉरी मैं सॉरी आई एम सॉरी 10 × 20 = 9 आएगा रिमाइंडर 9। हाँ जी इधर आइए, ये फिर से वही लेस वाला चक्कर हो गया। 6 को 8 से डिवाइड नहीं होने वाला भाई, 6 का 6 ही रहेगा। सबको सबको लेस के लिए लेस ही रहेगा, अगर डिवाइड नहीं हो रहा तो छोड़ दीजिए, जबरदस्ती नहीं करनी है आप। ओके क्लियर हो गया आपको? नेक्स्ट अब हम दो बहुत जबरदस्त ग्रुप पढ़ने जा रहे हैं। देखिए जरा ध्यान से, ये अलजब ये इसमें ग्रुप थ्योरी में दो बड़े कमाल के ग्रुप हैं। पहले हम बात करेंगे ZN पे, उसके बाद बात करेंगे μN पे। अच्छा ये आगे बढ़ने से पहले देखिए, कॉलेज में भी ZN तो ऐसे ही लिखा जाएगा, उसमें कुछ नहीं है, लेकिन μN कॉलेज में आपको ऐसे भी दिख सकता है, ऐसे भी दिख सकता है, UN भी दिख सकता है, म्यू और यू में जो भी है। एक बार मीनिंग आपको क्लियर है तो टेंशन के, इट्स लाइक मीनिंग आपको क्लियर होना चाहिए। म्यू लिखिए यू लिखिए, इसमें झगड़े में नहीं पड़ना है। तो व्हाट इज ZN व्हाट इज μN, देखिए भाई बहुत ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले ZN, ZN इज गिवन बाय, उसके पीछे की पूरी हिस्ट्री है, उसका आपको इक्विलेंस क्लास इक्विलेंस रिलेशंस वगैरह सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी जो डेफिनेशन आपको दिया जा रहा है आप जस्ट आपको याद हो जाएगा वो। तो ZN क्या लिया जाता है, ZN के एलिमेंट्स क्या लिए जाते हैं, 0 1 2 डॉट 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 अप टू n माइनस 1। एंड द थिंग इज ZN इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिटिव मॉडल। अभी मैं कराऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग है भैया। नाउ व्हाट इज μN भाई, दैट इज चैलेंजिंग। जितना ना जितना अच्छा आसान ये है, याद करके भी हो जाएगा, बच्चा कोई अनजान है वो भी याद कर सकता है इसको, उतना ही मतलब याद करना इसको डिफिकल्ट है, उसको आपको समझना पड़ेगा। पहले इधर आ जाइए, मैंने क्या बोला, ZN के साथ एडिटिव मॉड्यूलो n डालेंगे ग्रुप बनेगा, एडिटिव मॉड्यूलो n बाद में डालेंगे, पहले इधर आइए जरा। यस व्हाट इज Z2, ये यूनिवर्सली ग्रांटेड हैं, इसमें आपको चिंता नहीं करनी है, गैलियन हो खन्ना भामरी कोई भी बुक अलजेब्रा की, ये यूनिवर्सली ग्रांटेड है। हाँ जी 0 1, ये दो एलिमेंट्स का सेट है, 0 1 2, जैसे 0 1 2 3 ठीक है, ऐसे Z10 अगर लिखते हैं अगर आप और हम, तो 0 से 9 ये तो चलो समझ में आ गया सर, कोई भी बच्चा याद भी कर सकता है कि हाँ ऐसा होता है। अब इसमें जो कह रहे हैं वो सुनिए, Z2 को ग्रुप बनाना है तो इसके साथ ऑपरेशन, बिना ऑपरेशन के तो ग्रुप बन नहीं सकता, तो यहाँ एडिटिव मॉड्यूलो 2, यहाँ एडिटिव मॉड्यूलो 3, यहाँ एडिटिव मॉड्यूलो, याद रखिएगा इसको। सर ऐसे कैसे होता है, मैं कराऊंगा ना अभी कराऊंगा डोंट वरी, बट इतनी सी चीज़ याद रखिए, ZN के साथ ऑपरेशन क्या एडिटिव मॉड्यूलो है। ओके अब जरा μN पे काम करते हैं एंड देन दोनों को बारी बारी से ग्रुप शो कर देंगे। यस थोड़ा बहुत नंबर थ्योरी, थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं जी। आपने HCF और LCM पढ़ा हुआ है स्कूल लेवल पे? यस हाँ जी। दो नंबर्स का HCF और दो नंबर्स का LCM, कुछ बताइए हमें क्या क्या काम करते हैं आपस में।
मैं आई एम नॉट लिसन, आई एम नॉट आस्किंग हाउ टू फाइंड एलसीएम एंड हाउ टू फाइंड एचसीएम, वो नहीं पूछ रहे। क्या ऐसा कुछ पढ़ा है आपने, एचसीएफ इनटू एलसीएम इज प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स? यस सर। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब थोड़ा बहुत आइडिया तो आप सबको है। अब एक नोटेशन देखो, देखो भाई अगर आपके पास एलसीएम एलसीएम ऑफ टू नंबर्स एम एन, तो या तो इसको एल से डिनोट कर दीजिए या फिर इसको क्लोज इंटरवल है। नहीं नहीं अगर अगर क्लोज इंटरवल से परेशानी है तो भाई एलसीएम में लिख लो यार, क्यों इतनी आफत ले रहे हो। इसी तरीके से अगर आपका एचसीएफ है, एचसीएफ इसको ओपन इंटरवल से या सिंपली डी से, जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, इसी एचसीएफ को आई थिंक यू शुड ऑल्सो थिंक जीसीडी भी लिखा जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एम आई राइट? हेलो यस सर। अब एलसीएम एचसीएफ निकालते कैसे हैं भाई, ये क्लास ये सब समझाने के लिए नहीं है, आई एम सॉरी। यहाँ देखिए जरा, आप सभी लोग ध्यान से देखिएगा, एलिमेंट्स हियर नंबर्स, या तो को प्राइम बोलिए या रिलेटिवली प्राइम बोलिए, जी अगर दो नंबर्स का एचसीएफ वन है, एचसीएफ वन है तो दो नंबर्स कैसे कहलाएंगे, को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम। फॉर एग्जांपल एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, एनी टू कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, देख लो कोई बात नहीं, एग्जांपल देख लो। पहले इधर आओ ऑल ऑफ यू, व्हाट इज जीसीडी ऑफ जीसीडी एचसीएफ, एक ही बात है, सब निकाल लेंगे, उसमें कोई परेशानी नहीं है। इसका एग्जांपल देखिए ऑल ऑफ यू, हाँ जी, जब आपने दो और तीन का एचसीएफ लिया तो वन आया, जब आपने दो और चार का एचसीएफ लिया तो वन नहीं आया, जब आपने दो और पांच का एचसीएफ लिया तो भी वन आया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस पेयर 2 and 3 को प्राइम है, 2 and 4 को प्राइम नहीं है, 2 and 5 को प्राइम है। बेसिकली आप कोई भी एन के साथ एन प्लस वन कंबाइन कर देंगे, 2 के साथ 3, 3 के साथ 4, 4 के साथ 5, एम आई राइट? कोई नंबर अपने अगले नंबर को थोड़ा ना डिवाइड करेगा, तो जीसीडी तो आएगा ही नहीं कभी। हाँ जी, 6 के साथ 7 को प्राइम है नहीं है, को प्राइम आपको समझ में आ गया, ऐसे नंबर्स जिनका एचसीएफ वन है वो को प्राइम कहलाते हैं। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ का नोटेशन थोड़ा सा बता दिया, जरूरत पड़ेगी वैसे हमें, और जीसीडी वगैरह भी हो गया है और ये आपके सामने है, ये सारी चीज़ें भी हैं। मैं कुछ इसमें से कुछ रब नहीं करने वाला हूँ, कोई इसमें से कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो बता दें, सबको क्लियर है, बाद में क्लास के बाद कॉपी करते रहिए, अभी जरूरत नहीं। हेलो, इज इट यस सर। भाई ये म्यू एन चैलेंज वाला काम है, जरा देखो बहुत ध्यान से देखो, व्हाट इज म्यू एन? ऐसा नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो क्या काम कर रहा है भाई, एक तो वो एन के साथ लेस है और दूसरा एन के साथ को प्राइम है। भाई साहब बड़ी आफत है, आफत ही आफत है आपके लिए। देखिए जरा, एवरीवन आईज ऑन द बोर्ड, जेड एन का स्टेटमेंट कोई भी याद कर सकता है और आंसर भी कर देगा वहाँ क्वेश्चन आएगा तो, लेकिन म्यू एन खाली याद करके आपका काम नहीं चलेगा, आपको समझना पड़ेगा। स्टेटमेंट पढ़ो पहले, ऑल ऑफ यू, हाँ अपने लिए पढ़िए, अपने लिए पढ़िए। कैसा नेचुरल नंबर सेलेक्ट करना है आपको, एक तो अंडर एन होना चाहिए, लेस देन इक्वल एन होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, क्या है, को प्राइम। देखिए मैं दो चार एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इधर साथ रहिएगा, कॉपी करने का टाइम मिलेगा, रब नहीं करेंगे, तो रब करना है आपके साथ, अन्याय करना है। आइए जरा, व्हाट इज म्यू एट ऑल ऑफ यू? यस, ऐसा नेचुरल नंबर जो एट के साथ लेस देन इक्वल टू है और एट के साथ क्या होना चाहिए, को प्राइम। हाँ जी, अरे एक मिनट आराम से, हाँ जी, 8 तक मैं नेचुरल नंबर्स आपके सामने लिख रहा हूँ, उसमें से सेलेक्ट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8,
ये वो नंबर से जो लस इंक्लूडेड है, इसमें से 8 के साथ को प्राइम क्या होगा? यस इज वन, ओके इज वन को प्राइम विद 8, यस इट इज टू, यस टू को प्राइम नहीं है 8 के साथ, बिल्कुल भी नहीं है, टू 3 है, 4 नहीं है, यस 5 है, 6 नहीं है, 7, मैं ऐसे कर लो ना, क्या थोड़ा टाइम ही लगा लेंगे तो क्या हो जाएगा? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। आगे देखिए, साथ रही, मैं पूरा स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, हाँ जी, ऐसा नेचुरल नंबर निकालना है मुझे, एक तो लेस देन इक्वल टू 10 हो और को प्राइम विद 10 ही होना चाहिए, 10 होना चाहिए, तो ये लिस्ट आपकी 10 तक जाएगी। अब इसमें से सेलेक्ट कर लीजिए लिख लिख के, नए बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। आइए जी, हाँ जी, वन, ये आपको 10 के साथ को प्राइम देखना है, 1 है, 7 1 3 7 9, 2 और 10 नहीं होता, 4 और 10 भी नहीं होता, 5 तो 10 को डिवाइड ही करता है, 6 10 नहीं होता, 8 10 नहीं होता आपके सामने, तो ये आपके एलिमेंट्स आ गए। जी क्लियर हो गया आपको? अब इसको लिख लो, ठीक से लिखिएगा लेकिन समझ समझ के, जेड एन म्यू एन दोनों, टाइम लगाइए कोई बात नहीं, मैं घर के लिए होमवर्क तो नहीं दे सकते आपको। समझ समझ के लिखिएगा, हाँ थोड़ा स्पीड में तो काम करना ही पड़ेगा। एक बार म्यू एन समझ में आ गया तो आपको इस तरह का लंबा चौड़ा चार्ट भी नहीं बनाना है, आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बट माइंड में कैलकुलेट करने में परेशानी हो रही है, स्पीड नहीं आ रही है या क्लैरिटी नहीं आ रही, तो लिख लीजिए, कोई ऐसी परेशानी थोड़ी ना। ये स्टूडेंट्स कॉपी तो कर लिया आपने, अब मेरे को आपका आंसर चाहिए, ये कि भाई म्यू 20 क्या होगा, टाइम लगा के कर सकते हैं, लिख के कर सकते हैं। गुड हो गया तो बहुत अच्छी बात है, जो आपने सेट निकाल, कितने एलिमेंट से तेरा काउंट, नहीं कौन कौन से नहीं पूछ रहा हूँ, कितने एलिमेंट से काउंट करके बताएंगे? एट, ओके, दूसरा एट, ओके, ऐसा एलिमेंट जो 20 के साथ को प्राइम है वो आप वैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन वैसे क्लैरिटी नहीं है, स्पीड नहीं है और कंफ्यूजन हो रहा है, तो इस तरीके से लिख के कर लीजिएगा, कोई बात नहीं, ऐसे सोचते हैं। 1 से शुरू करते हैं, 1 विद 20 विल वर्क, 2 विद 20 नॉट वर्क, 3 विल, यस 4 नहीं करेगा, 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है, 8 वो तो इवन नंबर हो गया, 9 है, 11 है, नेक्स्ट फिर 13 है,
फिर 17 है, फिर 90, am I right? Yes, sir. ये तो वैसे ही हो जाता है, आराम से हो जाएगा बस। चलिए ये म्यू एन निकालना आपको आ गया। अब यहाँ कुछ लिखा है आपके लिए, जेड एन के साथ एडिटिव मॉड्यूलो एन, तो म्यू एन के साथ मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो एन काम करेगा हमेशा। फॉर एग्जांपल ऑल ऑफ यू, मान लीजिए आपने म्यू फाइव लिया, म्यू फाइव उसके साथ मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो फाइव भी लगाना है, इज दैट ओके? यस सर। अगर म्यू 11 लिया होता तो फिर चेंज हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो। चलिए इतनी सी चीज़ तो आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको दो काम दे रहा हूँ 26 जनवरी मनाने के लिए। पहला काम ये, दूसरा काम, कोई बात नहीं, नहीं लिखा तो क्या हो गया, घर पे बैठ के लिखना ना। यस ऑल ऑफ यू, एक अभी लिखो मत, देखो पहले म्यू फाइव एडिट मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो फाइव, जेड फाइव एडिटिव मॉड्यूलो फाइव। एक बार आप फाइव के लिए कर लेंगे या सिक्स सेवन के लिए कर लेंगे तो आपको आइडिया भी लग जाएगा कि सारे जेड एंस और सारे म्यूएंस ग्रुप होते हैं। अभी करना है yes, दोनों ही कर लेते, दोनों करना पड़ेगा आपको, एक से नहीं चलेगा काम। आइए भाई इधर आइए आप सब लोग, ये कैसे करेंगे आप जरा ट्राई तो करो एक बार, ऐसे ही रफ में ट्राई कीजिए, निकालो निकालो करो। किसका फोन रिंग हो रहा है, ऑल ऑफ यू प्लीज ट्राई, बहुत क्लासिक है। मैं करा, अब 10-15 मिनट बैठो भाई, अब दोनों चीजें कराते हैं आपको। ओके ऑल ऑफ यू प्लीज हैव अ लुक एट दिस बोर्ड। देखिए भाई क्या करना है, अब तक आप लोगों ने शुरू भी नहीं किया, सभी बच्चों का ध्यान सामने होना चाहिए। व्हाट इज म्यू फाइव, ऐसा नेचुरल नंबर जो 5 के साथ कोप्राइम है और 5 के साथ लेस देन इक्वल टू 1 2 3 4। ये ठीक है, अब जरा इधर आइए भाई आप सभी लोग, हमारे को चार एग्जाम करनी है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स। ये सब चीज़ें आप जेड प्लस में, क्यू प्लस में, आर प्लस में, सी प्लस में देख चुके हैं, ये सब चीज़ें आप मेट्रिसेस वाले ग्रुप में भी देख चुके हैं एट दैट टाइम। यस प्लीज प्लीज ऑब्जर्व, एट दैट टाइम द ग्रुप वर इनफाइनाइट, एम आई राइट? जेड प्लस, क्यू प्लस, आर प्लस तो सारे इनफाइनाइट है, लेकिन ये फाइनाइट है तो इसका अप्रोच उसके अप्रोच जैसे ही होगा सर, बिल्कुल भी नहीं। अरे भाई फाइनाइटली मैनी कॉम्बिनेशन से तो बनेंगे क्लोजर में, एम आई राइट? अब इंटीजर्स में अगर आप जेड प्लस में बात कर रहे हैं तो वहाँ तो पता नहीं क्या क्या ले सकते हैं आप, तो वो तो, बट यहाँ तो काउंटिंग हो सकती है ना यार। को सुन रहे हो या नहीं सुन रहे? हेलो यस सर। देखिए 1 के साथ 4, फिर 2 के साथ 4, फिर 3 ले देंगे, 16 ही तो हैं, तो सर क्या 16 लिखे? अरे 16 नहीं लिखना है भाई, देखिए तो सही क्या बता रहा हूँ, क्लोजर के लिए ये वाला काम करना है, G1 या एग्जाम 1 या व्हाटएवर। देखो इसके लिए फर्स्ट कंसीडर, मतलब शुरू करने से पहले भी कंसीडर द फॉलोइंग चार्ट। अब ये कौन सी बला है सर, ये कौन सा चार्ट है? ठीक है, चार्ट के लिए आपको ऐसे लिखना है, ये स्टूडेंट्स सबसे पहले यहाँ लिखना होता है ऑपरेशन, उसके बाद हॉरिजॉन्टली वर्टिकली एलिमेंट्स जो गिवन है आपको, क्या एलिमेंट्स गिवन है वो भी देख लीजिए, साथ रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। 1 2 3 4 1 2 3 4। नाउ आपके लिए जब आप लिख रहे होंगे या बना रहे होंगे, भाई इसको थोड़ा डार्क कर लेना सर। डार्क क्यों, समझ जाओ यार क्यों, ये अलग से दिखना चाहिए ना। हाँ
हाँ जी, अब अंदर के एंट्रीज आपको फिल करनी है। कैसे करेंगे? साथ आइए पहले, बोलिए नहीं। एवरीवन, हाँ जी, व्हाट इज स्टार एंड व्हाट इज डबल स्टार प्लीज। स्टार यानी इन दोनों का कॉम्बिनेशन, थ्री और थ्री का कॉम्बिनेशन किसके रिस्पेक्ट में? एडिटिव मॉड्यूल है या मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूल है? मल्टीप्लिकेटिव दोनों। थैंक यू वेरी मच। इसलिए इतनी जो मेहनत करवाई थी। देखिए अब जरा, अब बताइए क्या आंसर आएगा। आंसर बताओ यार। चार आएगा। थैंक यू, चार आएगा। अब ऐसे ही फोर फोर का कॉम्बिनेशन, हाँ जी, फोर मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूल फाइव फोर। अब बोल भी दो, सबको समझ में आ गया क्या करना है? अभी देखते जाइए इधर, साथ रहिए प्लीज, साथ रहिए। मान लीजिए मुझे ये एंट्री फिल करनी है, तो वन को वन से मल्टीप्लाई किया, वन ही आया, वन को फाइव से डिवाइड, लेस के लिए लेस रहता है, याद है? अब देखो इधर देखो, वन टू थ्री, लेस के लिए लेस रहेगा, लेस के लिए लेस रहेगा, लेस रहेगा, लेस रहेगा। ओके, टू इंटू टू यहाँ चार आएगा, कम के लिए कम रहने दो, टू इंटू थ्री सिक्स। लेट मी राइट, लेट मी राइट, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है? पहली नजर में बच्चे को ऐसे लिखना चाहिए, उसके बाद आपको दिख रहा है कि मॉड्यूलो फाइव अगर लगाएंगे तो ये बड़ी बड़ी एंट्रीज अपने आप, समझ रहे हैं ना? तो ऐसे कर सकते हैं आप, मतलब आपको, आपके पास वो प्रिविलेज नहीं है कि आप लिखने का द्रव कर रहे हैं, तो थोड़ा देख के टेक्निकली। सॉरी सॉरी, मुझे लगा पूरे पेज ही चला गया, सॉरी। हाँ जी, आ जाओ यहाँ। हाँ जी, यहाँ तक ठीक है। टू इंटू थ्री कितना होता है भाई? सिक्स। सिक्स को फाइव से डिवाइड करके रिमाइंडर बताइए। वन। टू इंटू फोर इज एट, को फाइव से डिवाइड किया थ्री। थ्री इंटू टू वन, थ्री थ्री नाइन, नाइन। थ्री इंटू फोर ट्वेल्व, टू। फोर इंटू टू एट, फोर थ्री, फोर थ्री ट्वेल्व, ट्वेल्व ट्वेल्व ट्वेल्व, फोर फोर सिक्सटीन, वन। ठीक है, अब रुको, अब जरा अपने दिल से पूछ के बताइए, ये जो रेड में एंट्रीज हैं, क्या ये इसका इसका कॉमन? ये तो पूरा क्लोजर चार्ट ही हो गया, am I right? क्लोजर, दिस इज क्लोजर, दिस वे यू शुड प्रेजेंट। देखिए जरा जीवन एग्जाम कैसे लिखेंगे आप। जीवन पहला एग्जाम क्लोजर, सिंस जी, लाइन समझ में, अंग्रेजी भाषा लैंग्वेज समझ में आ रही है आप लोगों को? सिंस ऑल एंट्रीज ऑफ, ऑल एंट्रीज ऑफ, सर अबव तो है नहीं साइड में, अरे आपकी नोटबुक में होगा ना अबव, तो वो तरीके से लिख लीजिए। सिंस ऑल एंट्रीज ऑफ अबव अबव चार्ट इज इन म्यू 5, सो क्लोजर इज वैलिड, फाइन। उसके बाद जी टू, वैसे हमने इसको कभी महत्व नहीं दिया, अभी रुको पहले, हाँ रुक जाओ रुक जाओ, कोई बात नहीं। जी थ्री क्या होता है और जी फोर क्या होता है? जी भाई ये ज़रा देखिएगा, क्लासिक है, आप सबको पता है बहुत अच्छे से कि हमारा काम जो भी दिखता है वो क्लोजर में, आइडेंटिटी में और इनवर्स में दिखता है, दिखना भी चाहिए। थोड़ी देर के लिए एसोसिएटिव छोड़िए और आइडेंटिटी पे आइए। हाँ जी, ऑल ऑफ यू ले देखे हैं तो ये मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ही ना, मल्टीप्लीकेशन में आइडेंटिटी क्या पता है? तो बोलो भैया, वन, सो इट कंटेन्स वन, बस वो प्रॉपरली प्रेजेंट करना है, साथ रहेंगे। देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू म्यू फाइव, n is such that, n is such that, किसी के साथ भी कंबाइन करके लिख दीजिए, वन कंबाइंड विद वन, देखते जाइए, वन कंबाइंड विद, ओके लेट मी राइट, टू कंबाइंड विद वन, थ्री, सर्कल लगा देना, ऐसा मत करना कि सर मेरे पेन की इंक खत्म हो गई है या खत्म हो जाएगी सर्कल लगाने से, ऐसा नहीं होगा। हाँ जी, सबके आंसर दीजिए। तो वन आइडेंटिटी हो गया ना, तो देयरफॉर वन इज द आइडेंटिटी, is its, बोलिए, identity, okay, अब inverse, the most classic thing is coming, भाई ये देखो जरा ध्यान से, now what is inverse of one, है ना? बताइए नहीं बताइए, चुपचाप देखिए, अभी बताने का तुम्हारा वो नहीं है, अधिकार भी नहीं और आप बता भी नहीं पाएंगे।
भाई जरा ध्यान से सुनिएगा कि क्या करना चाहिए बच्चे को इसमें। इस ग्रुप में चार एलिमेंट्स हैं, तो इन्वर्स अगर किसी एलिमेंट का ढूंढना है तो इन्हीं में से ढूंढना है। जस्ट सी इसमें से उसमें ये इन दोनों में किसको कंबाइन करेगी आइडेंटिटी आ जाए। अभी सुनिए, पहले सुनिए, मैं आपसे आंसर नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। अगर ए और बी आपस में इन्वर्स हैं तो ये मिलना चाहिए, यहाँ का आइडेंटिटी यानी वन। तो ऐसा ए भी ढूंढना है जिसके लिए कॉम्बिनेशन कितना बन जाए आपका, वन। फॉर एग्जाम्पल रफ रफ स्केच बताते हैं आपको, रफ स्केच बता रहे हैं। मान लीजिए मुझे थ्री का इन्वर्स ढूंढना है, इन्वर्स ऑफ थ्री ढूंढ रहे हैं। तो भाई इन्वर्स ऑफ थ्री ढूंढ रहे हैं आप, इसमें कंबाइन करके देख लो। सुनो तो सही, सब क्या आएगा कैसे नहीं, तुम कुछ करना ही नहीं चाहते तो फिर क्या होगा। हाँ जी, पहले वाले में लेस के लिए लेस रहता है, 3 × 6 ये आ गया ना। अरे आया या नहीं आया जल्दी बताइए, समझ में आ गया सबको। सो दिस वे यू कैन गो, दिस वे यू कैन गो। और मैं जाहिर सी बात है ये वाला एक्सरसाइज में करके आपका बाकी एलिमेंट्स भी, बाकी एलिमेंट्स का इन्वर्स भी आ जाएगा। बट आई सजेस्ट यू ये नहीं करना है। क्या बात कर रहे हैं सर, अरे बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ भाई, ये नहीं करना है। क्या करें फिर, इतना बढ़िया आपने क्लोजर चार्ट बनाया, उसका यूज़ क्यों नहीं करते। कैसे कैसे, सुनिए सुनिए, सुनो 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 सुनो। मान लो मुझे थ्री का इन्वर्स देखना है, यानी थ्री के साथ किसको कंबाइन किया जाए कि आइडेंटिटी यानी वन आ जाए। ये थ्री के रो में या थ्री के कॉलम में, कहीं से भी चल दीजिए, थ्री के रो में वन कहाँ रहे, धन्यवाद, तो उसके सामने उसका इन्वर्स बैठा है। बात समझ में आई। फोर के रो में आइडेंटिटी वन, उसके सामने उसका इन्वर्स बैठा है, टू के सामने उसका इन्वर्स, आप समझ गए। हो गया, आओ जरा बताओ, व्हाट इज इन्वर्स ऑफ वन, वन इन्वर्स ऑफ टू, थ्री इन्वर्स ऑफ फोर। फोर 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 हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है, यहाँ रीजन भी दे देना, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। ने करवा ही लिया, मैं सोच रहा था होमवर्क दे देते हैं आपको, करिए तब सारा लिखना पड़ेगा। क्लोजर चार्ट का भी है कमाल, लेकिन क्लोजर चार्ट का यूज़ कहाँ 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 होना है, एक तो क्लोजर में और दूसरा इनवर्स में। प्लीज़ प्लीज़ वो भी लिखोगे लिखो तो सही, इसको लिखो एसोसिएटिव के लिए, प्लीज़ लीव 2 लाइन्स और 3 लाइन्स। आई टेल यू, मैं रब इसको रब नहीं करना चाहता भाई, बहुत अच्छा लग रहा है, करिए फटाफट चीज़। हाँ अभी लिखो, बिठाया ना आपने, अभी तो एडिटिव भी कराएंगे आप, कहाँ जा रहे हो। हाँ जी रिकॉर्डिंग में करेंगे या क्या करना है बताइए। हेलो, यस सर, रिकॉर्डिंग में कर लेना फिर, मेथड तो आपको समझ में आ गया ना। ठीक है बढ़िया, अब जरा आते हैं Z5 पे। मैं कह रहा हूँ ये कमाल है, सो दैट Z5 इज अ ग्रुप। आइए सॉल्यूशन देखें जी, Z5 है आपका 0, 1, 2, 3, 4। नाउ फर्स्ट यू कंसिडर द क्लोजर चार्ट या सिंपली चार्ट। चार्ट कैसे बनेगा, ऑफ कोर्स पेन से ही बनेगा। हाँ जी आपको मैंने बोला भी था क्या चीज़ को आपको डार्क करना है, जिसके सारे सारा चार्ट बनाना है उसको थोड़ा सा अलग से दिखना चाहिए। ताकि ये अलग से रहे, यहाँ भाई इसके सहारे आपका ये पिलर है, मतलब एक तरह से समझ लो। फाइन दिख रहा है, ऑपरेशन इस बार मल्टीप्लिकेटिव है, एडिटिव एडिटिव है। एलिमेंट्स 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4, तो इसकी ज़रूरत तो है नहीं हमें। ठीक है ओके, आइए। यस स्टूडेंट, जैसे पहले पूछा था, यस व्हाट इज स्टार, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड 3, सो 2 additive modulo 5 3 जीरो कितना आएगा, जीरो जीरो आएगा। जीरो ऐसे डबल स्टार क्या है जी, फोर
धन्यवाद। लेस के लिए लेस रहेगा, जीरो प्लस जीरो इज जीरो, जीरो प्लस वन इज वन, ये टू ये थ्री। हाँ जी ठीक है, थैंक यू। आइए लेस के लिए लेस, भैया जरा साथ दो, हम बड़ा अकेला महसूस कर रहे हैं। चेक करिए, सही लिखा है वैसे, बिल्कुल ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है। जरा लास्ट वाले पे आइए, देखिए वन प्लस जीरो इज वन, वन प्लस टू इज टू, वन प्लस टू इज थ्री, वन प्लस थ्री इज फोर, वन प्लस फोर इज फाइव। ये चार तक तो रिड्यूस हो नहीं पाएगा क्योंकि मॉडुलो फाइव है, लेस के लिए लेस ही रहेगा। लेकिन व्हाट इज फाइव मॉडुलो फाइव, प्लीज आंसर। धन्यवाद, बस ठीक है, चेक कर लो भैया। यू कैन चेक एंड रेस्ट, यू नो क्या करना है आपको, पता है क्या करना है? फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम, थर्ड एग्जाम, फोर्थ एग्जाम, क्या क्या लिखना है? जस्ट वेट, मैं लास्ट वाला इनवर जरूर कर देते हैं आपके सामने। भैया पांच नंबर का क्वेश्चन तैयार हो गया, जरा देखिए। यस स्टूडेंट्स एवरीवन, जो समझाया गया है आई होप आप तक बात पहुंच गई है अच्छे से। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, एडिटिव ग्रुप है, एडिटिव में, एडिटिव में आइडेंटिटी वन नहीं है, वन नहीं है आइडेंटिटी। आप कहीं ये सोच रहे हैं, हाँ जस्ट वेट फॉर अ सेकंड, ये ना सोचें। देखिए इसका इनवर्स निकलेगा तो आंसर आइडेंटिटी यानी जीरो आना चाहिए। धन्यवाद, जीरो आना चाहिए, वन नहीं, वन नहीं आना चाहिए। वन आएगा तो सब गड़बड़ कर दोगे तुम। तुम वन वन लिखने को ही तड़प रहे थे, आई नो वेरी वेल। आइए एवरीवन, तो इस बार आइडेंटिटी के लिए जीरो देखना है जी। थ्री के रो में जीरो, फोर के रो में जीरो, टू के रो में जीरो, वन के रो में जीरो। धन्यवाद आप सबका, समझ में आ गया इनवर्स सामने। यस व्हाट इज इनवर्स ऑफ जीरो? इटसेल्फ। इनवर्स ऑफ वन? इनवर्स ऑफ वन फोर। इनवर्स ऑफ टू? थ्री। रुको अभी यहाँ पे रीजन दे दीजिएगा जैसे पहले दिया था, यहाँ मतलब इधर इधर जैसे टू और थ्री का देख लीजिए। ए भाई एक एक लाइन तो लिखनी है, लिखी दो ना। ठीक है भाई, क्लियर हो गया आपको? चलिए तो आपने, आपने सचमुच की 26 जनवरी मनाई ली भाई, ये बहुत ही गजब चीज है ये म्यू एन और जेड एन। एक तो समझना, ऊपर से प्रूव भी कर लिया आप लोगों ने। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर 26 जनवरी, थैंक यू। थैंक यू वेलकम।